हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार, और आज का जो वीडियो है वो झारखंड उत्पाद सिपाही जो दौड़ हो रही है उस दौड़ को लेके बहुत सारे दुखद समाचार सामने आ रहे हैं। तो उसी को लेके माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संदेश है, दौड़ जो स्थगित किया गया है, वही आपके सामने आज की इस वीडियो में रखा जा रहा है। तो आइए देखते हैं मुख्यमंत्री जी का संदेश आप लोगों के लिए क्या है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा जो संदेश है, जो पोस्ट किया गया है, वो आप लोगों के सामने रखा जा रहा है कि जोहार साथियों, उत्पाद सिपाही की नियुक्ति प्रक्रिया में दौड़ के क्रम में प्रतिभागियों की असामयिक मृत्यु दुखद और मर्माहत करने वाली है। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा बनाए गए नियमावली की अविलंब समीक्षा का निर्देश देते हुए हमने इस ढंग की भविष्य की सभी बहालियों के लिए नियमावली में बदलाव करने का निर्देश दिया है। साथ ही इस प्रक्रिया में दुर्भाग्यवश जो पीड़ित और सूखाकुल परिवार हैं को सरकार की तरफ से तत्काल राहत पहुंचाने के लिए प्रस्ताव बनाने का भी निर्देश दिया गया है। आगे है एहतियातन अगले 3 दिनों के लिए हमने इस भर्ती प्रक्रिया को, मतलब जो उत्पाद सिपाही का जो रनिंग हो रहा था, उस भर्ती प्रक्रिया को स्थगित करने का निर्देश दिया गया है। देखिए यहां पर स्थगित लिखा गया है, रद्द नहीं लिखा गया है। तो आप लोग अभी स्थगित समझिए कि अगले जो 3 दिन के लिए जो दौड़ हो रहा था, दौड़ का जो कार्यक्रम चल रहा था, वो अभी स्थगित किया गया है। ठीक है, दौड़ का आयोजन अब प्रातः 9 बजे के बाद किसी भी सूरत में नहीं की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों को दौड़ के पूर्व स्वास्थ्य परीक्षण की जरूरत महसूस होगी, उनके लिए चिकित्सकों की पर्याप्त व्यवस्था होगी तथा सभी प्रतियोगिता स्थलों पर प्रतिभागियों के लिए नाश्ते फल का व्यवस्था होगी, जिससे कि कोई भूखे पेट दौड़ में हिस्सा न ले। देखिए हमारी टीम, मैं खुद भी आप लोगों से आग्रह करता हूं, नम्र निवेदन करता हूं कि यार प्लीज भूखे पेट मत दौड़ो यार। ठीक है, मानते हैं चलिए नौकरी के लिए की कमी है, उसके लिए आप लोग दौड़ धूप कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन बहुत वो हृदय विदार, बहुत हर्ट फील हो रहा है हम लोगों को, काफी शोकाकुल हो के हम आप लोगों के सामने बोल रहे हैं कि यार प्लीज, जान है तो जहान है, भूखे पेट मत दौड़िए। प्रॉपर 10 किलोमीटर की दौड़ की अगर तैयारी नहीं है और आप पार्टिसिपेट किए हुए भी हैं तो जबरदस्ती जोर लगा के मत दौड़ो यार प्लीज। ठीक है, पैदल चलिए, थोड़ा सा दौड़िए, फिर पैदल चलिए, फिर थोड़ा सा दौड़िए, पैदल चलिए, ऐसे कीजिए, लेकिन अपने जान को जोखिम में मत डालिए। प्रॉपर प्रैक्टिस के साथ ही आगे बढ़िए। ठीक है, प्रतियोगिता है, ठीक है, प्रतियोगिता में लोग आगे निकलना चाहते हैं, हर कोई एक होड़ लगा हुआ रहता है, लेकिन जान है तो जहान है, हम फिर से बोल रहे हैं इस बात को। ठीक है, करोड़ों की जिंदगी होती है, उसको कुछ चंद क्या बताएं आप लोग को, थोड़ी सी छोटी सी सैलरी के लिए उसको बर्बाद मत कीजिए, है ना। तो प्रॉपर तैयारी के साथ कहीं पर उतरिए, नहीं है तो जोर जबरदस्ती नहीं लगाना है। रिपोर्ट जो अभी आ रहा है काफी दुखद है कि लॉस ऑफ वाटर हो रहा है बॉडी में, ठीक है, लॉस ऑफ वाटर हुआ, बीपी बढ़ गया, हार्ट अटैक आया, दांत लग गया है बहुत सारे लोग को हार्ट अटैक आ रहा है, जिसकी वजह से उनका गड़बड़ हो रहा है सारा कुछ। ठीक है, तो आगे है फिर इनका जो संदेश है वो हम आपके सामने रख दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग जो है ना वो एसेट हैं, सरकार झारखंड सरकार के लिए एसेट हैं, काहे कि आप लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए दौड़ कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कोई आपको विदेश में आर्मी ट्रेनिंग चल रहा है, रशिया का वार हो रहा है, उसमें आपको जाना, उसके लिए आप लोग दौड़ नहीं कर रहे हैं। आप लोग इस झारखंड के धरोहर हैं, झारखंड की माटी के लिए रक्षा करने के लिए झारखंड उत्पाद सिपाही की जो भर्ती हो रही है, बहाली हो रही है, इस झारखंड के लिए हो रही है ना। ठीक है, तो यहाँ के लिए आप, मतलब ये थोड़ा सा यहीं के लिए आप लोग काम कर रहे हैं, है ना। तो आगे हम थोड़ा संदेश पढ़ देते हैं। आखिर किन कारणों से हमारे गांव समाज के अपेक्षाकृत स्वस्थ चुस्त लोग पूर्व से चली आ रही शारीरिक परीक्षा में हताहत होते जा रहे हैं। आखिर झारखंड सहित देश में पिछले 3-4 वर्षों में सामान्य जन के स्वास्थ्य में ऐसा क्या बदलाव आया है इन युवाओं की असामयिक मृत्यु के कारणों की समीक्षा करने के लिए, जिससे कि भविष्य में ऐसी दुर्घटना घटित न हो, हमने स्वास्थ्य विशेषज्ञों की भी एक समिति का गठन कर परामर्श रिपोर्ट देने का भी निर्देश दिया है। ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री जी यही बोल रहे हैं कि अभी जो आप लोगों की जो उत्पाद सिपाही का रनिंग हो रहा था, वो
वो धूप में नहीं होना चाहिए। देखिए अभी कड़ी धूप है, 9 बजे के बाद रनिंग नहीं होना चाहिए, ये बात है। कुछ नियमावली में अभी सुधार होगा, इस बात को दिमाग में रखिएगा आप लोग, ठीक है। और मतलब कि धूप अभी के समय जो है ना उमस वाली गर्मी रहती है, बारिश का जो समय रहता है ना उसमें उमस वाली गर्मी, सांस में दिक्कत हो जा रहा है, जो रनिंग कर रहे हैं सांस में लॉस ऑफ वाटर बहुत हो जा रहा है बॉडी से, ठीक है। इस सब चीज का आप लोग प्रॉपर प्रैक्टिस अगर नहीं किए हैं तो आप आज देखते हैं कि कहीं से आए रात भर जागे हुए हैं और फिर सुबह दौड़ दिए, तो देखिए बाद पानी वानी अच्छा से पीजिए, ठीक है। कुछ केला वाला खा लीजिए, ये सब कुछ होना चाहिए, मतलब खाली पेट नहीं दौड़िए, ये सब सारा कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी भी आप लोग को बतला रहे हैं, ठीक है। हमारी टीम के द्वारा भी यही कहा जा रहा है कि भाई जानबूझ के अपने जान को जोखिम में मत डालिए, ठीक है। अच्छा, और जो लोग ये सोच रहे हैं कि और निराश हो गए कि क्या सर स्थगित खत्म हो गया, दौड़ खत्म नहीं हुआ है, उसको स्थगित किया गया है अगले 3 दिनों के लिए, उसके बाद जो भी सूचना होगी आप लोगों को बतलाया जाएगा। आप लोग अपना जो दौड़ वौड़ का जो प्रैक्टिस है, पढ़ाई लिखाई का जो प्रैक्टिस है वो करते रहिए, उसको कंटिन्यू रखिए। अब आगे जो भी सूचना आएगी हमारी टीम के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग अपना स्वास्थ्य का ध्यान दीजिएगा और जोर जबरदस्ती नहीं कीजिएगा शरीर में, ठीक है, कि एकदम कूदिए दे बोरे ऐसे बोल के नहीं निकल जाना, मतलब कि प्रॉपर पानी वानी पी के बढ़िया से रनिंग वनिंग पे आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये एक सूचना था, आज का वीडियो था, वो एक सूचना है आप लोगों के लिए, एहतियात बरतने के लिए बताया जा रहा है, ये सब चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और दौड़ जो है वो रद्द नहीं हुआ है, वो स्थगित हुआ है, उसको फिर से रिज्यूम किया जाएगा कुछ चेंजेस के साथ, ठीक है। तो आई होप आज का वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए मिलेंगे आप लोग अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।